नमस्कार दोस्तों, मिशन कलेक्टर के इस वीडियो ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं यूपीपीसीएस 2018 के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पहले प्रश्न पत्र में, प्रथम प्रश्न पत्र में, जो कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उस पर चर्चा करूंगा। पहला प्रश्न है, भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में सरदार पटेल की भूमिका। इस प्रश्न को लिखते समय दरअसल जो विषय वस्तु होगी, उस विषय वस्तु को हम चार शीर्षकों के अंतर्गत या चार पैराग्राफों में बांटकर लिख सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि सरदार पटेल ने संवाद के द्वारा, सैनिक कार्यवाही के द्वारा और एक संरचनागत योजना के द्वारा भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के द्वारा बनाए गए राज्यों से संबंधित समझौता समिति के अध्यक्ष थे और समझौता समिति के इस अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने 561 से अधिक देशी रियासतों को संवाद की प्रक्रिया के द्वारा, बातचीत की प्रक्रिया के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया। दूसरी बात यह है कि भारत के आज़ादी के बाद एक राज्य मंत्रालय का गठन किया गया, जिस राज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी और जिसके सचिव थे बीपी मेनन। यह जो राज्य मंत्रालय था, यह तमाम उन बारीकियों को देखता था जो भारतीय रियासतें या देसी रियासतों के विलीनीकरण से संबंधित थी। तो सरदार पटेल के संवाद से जुड़े हुए दो कार्यों और उनके पद स्थान से उनकी भूमिका का पता लगता है। दूसरी बात यहाँ पर यह कि हैदराबाद की रियासत का जो भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ, वह ऑपरेशन पोलो नामक सैनिक कार्यवाही से हुआ और इसके साथ ही जूनागढ़ का जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ, जिसमें भी सरदार पटेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो बड़ा नेता होता है, वह किसी भी काम के बृहद और सूक्ष्म सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर योजनाओं और विजन को प्रस्तुत करता है। सरदार पटेल ने न केवल रजवाड़ों को, देसी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी मात्र ही नहीं किया, बल्कि सरदार पटेल ने यहाँ पर एक ऐसी योजना भी प्रस्तुत की जिसमें जो देसी रियासतें भारतीय संघ में एकीकृत होने के लिए तैयार थीं, उनको किस तरह के वास्तव में ढांचे में शामिल किया जाएगा। दरअसल इस संदर्भ में ही कहा जाता है कि भारतीय रियासतों के विलीनीकरण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक पटेल स्कीम प्रस्तुत की। यह पटेल स्कीम तीन चरणों वाली एक प्रक्रिया थी जिसमें जो देसी रियासतें, कुछ देसी रियासतें ऐसी थीं जो भौगोलिक दृष्टि से जिन प्रांतों के निकट थी, उन्हें उन्हीं प्रांतों में शामिल किया कर लिया गया। और भारतीय संविधान के उस समय जो वास्तव में राज्यों के वर्गीकरण में भाग क, भाग ख और भाग ग, या जो राज्यों से संबंधित जो तीन सूचियां थी, उसमें इन्हें भाग क में शामिल किया गया। कुछ रियासतें ऐसी थी जिनको नए राज्य के रूप में बनाया गया, उनको किसी प्रांत में शामिल नहीं किया गया, जैसे त्रावणकोर और कोचीन की रियासत को, इसी तरह से हैदराबाद की रियासत को। और कुछ रियासतें ऐसी थी जिनकी रणनीतिक अवस्थिति को देखते हुए उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो कुछ रियासतों को उन्होंने प्रांतों में शामिल किया, कुछ को उन्होंने नया राज्य बनाया और कुछ को उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश
के रूप में भारतीय संघ में एकीकृत किया। सरदार पटेल के इस कार्य का महत्व जवाहरलाल नेहरू के एक स्टेटमेंट से इस कार्य के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत में बहुत पुराने समय से चली आ रही सामंतशाही को उखाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और पाकिस्तान के बन जाने के बाद उन्होंने भारत को विशाल भारत के रूप में निर्मित किया, और इसलिए मैं एक मंत्रिमंडल के सहयोगी के रूप में उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जब सरदार पटेल सौराष्ट्र उड़ीसा की रियासतें जो थी, इसी के साथ ही महाराष्ट्र की जो कुछ रियासतें थी, सौराष्ट्र की रियासतें जो थी, उनके विलीनीकरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित कर चुके थे, तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि दरअसल ये प्रक्रिया ठीक वैसे ही है जैसे एक पेट खराब हुए इंसान को दवाई देकर ठीक कर दिया जाना है। तो भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में सरदार पटेल की भूमिका, दरअसल इन तीन भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि उनके इन तीन कार्यों, जिम्मेदारियों और संस्थागत प्रयासों के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। इंडियन पॉलिटी जो विद्यार्थी मुझसे जुड़े रहे हैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ाई की है, उनको देसी रियासतों और भारतीय संघ के निर्माण के समय, भारतीय संघ में राज्यों का गठन कैसे होता है, जब वो बातें आपको बताई जाती थी, तो आप ध्यान दीजिए कि इस सवाल को सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता था, और ये UPPCS 2018 के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र, GS प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न के रूप में शामिल किया गया। इसके साथ ही आप से अपेक्षा है कि आपको ये जो प्रयास है, इस प्रयास में यह प्रयास कैसा लग रहा है, आप इसे हमारे इनबॉक्स में बताएं। और इसके साथ ही आप जो भी वास्तव में समर्थन देते हैं, चाहे वो घंटी को दबाकर समर्थन देते हैं या सब्सक्राइब करके समर्थन देते हैं, उससे निश्चित रूप से हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और हम लोगों को लगता है कि मिशन कलेक्टर के द्वारा हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये अपने पुराने विद्यार्थियों से और नए विद्यार्थियों से एक जुड़ने का एक माध्यम बन रहा है, और हम उन्हें मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में जो जरूरी चीज़ें हैं अप्रोच से जुड़ी हुई, उन जरूरी चीज़ों को उन तक बार बार पहुंचा सकते हैं। दरअसल कोचिंग क्लासेस करने के बाद बहुत से विद्यार्थी जो है डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रख पाते हैं। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी चारों प्रश्न पत्र जो पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के, उन चारों प्रश्न पत्रों के सभी प्रश्नों पर हम लोग धीरे धीरे आपको इसी तरह से उत्तर प्रस्तुत करेंगे। तो भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में जैसे सरदार पटेल की भूमिका को मैंने डिस्कस किया, वैसे ही आगे कुछ वीडियोज अपलोड किए जाएंगे जो कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया से जुड़े होंगे, और कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया और इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर बहुत सधे हुए अप्रोच से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको, आपका जो समर्थन है, आपका जो आभार है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।